किसान साथियों, ये है पावर ट्रैक 434 आरडीएक्स लोड मैक्स वेरिएंट है, डीजल सेवर, शानदार ट्रैक्टर है। रोटावेटर स्पेशलिस्ट कंपनी इस ट्रैक्टर को बता रही है। ये देखिए ट्रैक्टर की लुकिंग। आरडीएक्स सीरीज के अंदर ये दूसरा ट्रैक्टर है। एक ट्रैक्टर इनका 439 आता है, 34439, उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 3940 एचपी कैटेगरी का है। ये देखिए पावर ट्रैक की ब्रांडिंग, आरडीएक्स की ब्रांडिंग दी गई है। लोडमैक्स E7 सीरीज है, R4 रोटावेटर स्पेशलिस्ट, D4 डीजल सेवर, X4 एक्स्ट्रा पावर। किसान साथियों, न्यू लॉन्च है, पिछले साल ही इन्होंने इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ ट्रैक्टर आता है। इसमें आपको 35 एचपी कैटेगरी, 2000 इंजन रेटेड आरपीएम, 3 सिलेंडर नॉन टर्बो, 2340 सीसी का इंजन मिलता है, जिसका बोर 95 mm और स्ट्रोक 110 mm है। किसान साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रैक्टर अपना टॉर्क 143 न्यूटन मीटर उत्पन्न करता है, 143 न्यूटन मीटर। काफ़ी अच्छा टॉर्क है एक 35 एचपी कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए। माइको बोस कंपनी का इनलाइन पंप आपको मिलता है इसके अंदर। उसी के साथ आपको सिंगल डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर भी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। कारो वाला कूलिंग सिस्टम है, कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का फंक्शन इसके अंदर आपको मिलता है। बाहर से ही आप इसका कूलेंट चेक कर सकते हैं, बार बार आपको कूलेंट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। केयर बटन मिलता है 24/7, किसी भी समय आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके ट्रैक्टर में कुछ दिक्कत अगर आती है तो मैकेनिक को आपके खेत में या आपके घर पर ही भेज दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी एस्कॉर्ट्स का ट्रैक्टर्स की तरफ से आपको दी जा रही है। किसान साथियों, सिंगल ड्रॉप आर्म मैकेनिकल स्टीयरिंग इस वेरिएंट के अंदर है। आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। स्क्वायर टाइप का स्पिंडल है, अगला एक्सल फिक्स है, अगले एक्सल को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए फिक्स फ्रंट एक्सल है, लेकिन बहुत ही हैवी ड्यूटी है। जो 40 एचपी के ट्रैक्टर में आता है वही है। अगले टायर आपको इसके अंदर 616 के मिलते हैं, कंपनी फिटेड। 80 किलो का वेट भी आगे कंपनी दे रही है। गीला एयर क्लीनर इसके अंदर आता है, 3 स्टेज की क्लीनिंग के साथ, जो कि प्री क्लीनिंग के साथ आता है, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप, अल्टरनेटर, इंजन के दूसरी साइड में यहाँ पर स्टार्टर मोटर आपके ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, और बैटरी बॉक्स को भी साइड में माउंट किया गया है। किसान साथियों, अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसका प्लेटफॉर्म आपको लगभग सपाट मिलता है, काफ़ी ऊंचे पैरदान है, ये आप देख सकते हैं। सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स की फैसिलिटी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल रही है। एडजस्टेबल सीट नहीं है, फिक्स सीट है, थोड़ी बहुत आप बोल्ट और नट बोल्ट की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फाइबर का टूल बॉक्स है, गलेगा नहीं। सेंसी इंडियाज नंबर 1 लिफ्ट, पावर ट्रैक के लगभग सभी ट्रैक्टर्स में यही तकनीक वाली लिफ्ट आपको मिलती है, ADC टाइप की, Category 2 की। पिछले टायर आपको 13/6/28 के मिलते हैं, 12/4/28 के टायर भी आप कंपनी की तरफ से ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। पिछला हिस्सा हैवी बनाया गया है, आपको लोड खींचने के मतलब से काफ़ी हैवी पिछला हिस्सा इसका दिया गया है। किसान साथियों, कोई ग्रीसिंग पॉइंट इसके पिछले हिस्से में नहीं आता। इनबोर्ड रिडक्शन तकनीक का सीधा पिछला हिस्सा, स्ट्रेट टाइप का एक्सल इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है। 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है, लिंक लेवलर के साथ। एक लिंक पर आपको लेवल करने के लिए एक फंक्शनैलिटी दी गई है। 3 सेंसिंग पॉइंट आपको मिलते हैं, आपकी हाइड्रोलिक पर लगे हुए इम्प्लीमेंट को मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल वगैरह में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हिच को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे। PTO की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 540 RPM वाली 6-spline की PTO मिलती है, जो अपने 540 RPM 1810 इंजन रेटेड RPM पर उत्पन्न करती है। सिंगल PTO है, इसके अंदर आपको मल्टी स्पीड या रिवर्स PTO का ऑप्शन नहीं मिलता। सिंगल QRC कपलर भी आपको मिलता है कंपनी फिटेड, जिसे आप टिपिंग ट्रॉली वगैरह इसमें लगा सकते हैं, उसका सेपरेट लीवर नहीं है।
कंपनी इसमें ऑप्शन देती है कि आप 3 लीवर वाली हाइड्रोलिक लेते हैं या 2 लीवर वाली हाइड्रोलिक लेते हैं। यहाँ पर कुछ RPM और गियर्स के स्पीड वगैरह का चार्ट है, ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, बड़ा स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग के अंदर भी आपको बड़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको पार्किंग इंडिकेटर और हैंड रेस का ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता, स्टीयरिंग के एकदम खाली है। नीचे डैशबोर्ड पे हॉर्न लाइटिंग की स्विच और स्टॉपिंग स्विच आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। किसान साथियों, अगर इसके गियरबॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सेंटर शिफ्ट 8 गियर आगे जाने के लिए, 2 गियर पीछे जाने के लिए फुल कॉन्स्टेंट मैश तकनीक के साथ मिलते हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। फुल कॉन्स्टेंट मैश तकनीक कई कंपनियां आप लगभग देने ही लगी हैं, लेकिन कुछ कंपनियां अब भी स्लाइडिंग मैश देती हैं। क्लच सिंगल आपको मिलता है, डायफ्राम टाइप का, वेट टाइप का, जो कि दबाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। नीचे आपको PTO का लीवर मिल जाता है, 540 RPM वाली PTO, 1810 इंजनेटेड RPM पे आपको मिलते हैं। हाइड्रोलिक लॉक मिलता है, ऊपर उठाकर आप अपने हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट को लॉक कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों लीवर नीचे होने के बाद भी आपका हाइड्रोलिक पर टंगा हुआ इंप्लीमेंट नीचे नहीं गिरेगा। हैंड ब्रेक भी आपको हाइड्रोलिक लॉक के पास में दिए गए हैं। तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलते हैं। पोजिशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर आपको सीधे हाथ की तरफ मिलते हैं। किसान साथियों, ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की कीमत लगभग 5,10,000 रुपये रखी गई है। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।